मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार सभी विभाग अपने आप को अपडेट करने में जुटे हैं। इसी के चलते गाजियाबाद में आवास विकास परिषद की निवेश और विकास की नीति के उद्देश्य से एक समिट का आज आयोजन किया गया। इस समिट में देश के अलग अलग इलाकों से बिल्डर पहुंचे और गाजियाबाद में इन्वेस्ट करने की योजना बनाई गई है। गाजियाबाद के पौश इलाके में शुमार वसुंधरा में आवास विकास परिषद की कई एकड़ जमीन खाली है, जिसको लेकर आवास विकास परिषद ऐसे बिल्डरों के साथ काम करने की योजना बना रहे हैं जो एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सहूलियत बायर्स को उपलब्ध करा सकें। साथ ही ऐसी विदेशों की तर्ज पर गगनचुंबी इमारत बनाई जा सके जो कि गाजियाबाद के आकर्षण का केंद्र बने और गाजियाबाद की पहचान बन सके। इस पूरी योजना से आवास विकास परिषद को करीब 5,000 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है और उसी के उद्देश्य के चलते इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर सारा समय संवाददाता दीपक कुमार ने आवास विकास कमिश्नर रणवीर प्रसाद से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। गाजियाबाद में आवास विकास परिषद की आय बढ़ाने के उद्देश्य के चलते ही एक समिट का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलग अलग इलाकों से बिल्डर पहुंचे थे, क्योंकि जिस प्रकार से आने वाले समय में या बोलिए कि बीते समय में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब परिषद की आय बढ़ानी और साथ ही क्षेत्र का विकास भी कराना है। सर, आज एक समिट का आयोजन किया गया, NCR के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से बिल्डर पहुंचे थे, किस प्रकार का रहा सर पूरा प्रोग्राम? हमारी जो वसुंधरा योजना है बहुत ही पुरानी योजना है, अब इसमें इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जो हमारा RRTS आ रहा है उसके साथ TOD की पॉलिसी का के अनुसार हम यहाँ पर एक टाउनशिप बसाना चाहते हैं जिसमें मिश्रित भूपियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। उसी क्रम में आज ये जो हमारी बहुत ही अच्छी बैठक हुई, बहुत अच्छे इनपुट्स आए लोगों से, उसके आधार पर हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे। इसके अलावा हम लोग ने आज जैसे हम यहाँ पर हैं तो किस तरह से वसुंधरा की कनेक्टिविटी दिल्ली से अच्छी की जाए उस पर भी विचार करते हुए जो हमारा एलिवेटेड रोड है उसके साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यहाँ पर कार्ययोजना बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सेक्टर 7 और 8 है RRTS के साथ सहयोग करते हुए हम लोग एक बहुत ही अच्छी टाउनशिप बनाने में सफल हो पाएंगे। सर, बिल्डरों से मीटिंग के दौरान आपने कहा था आकर्षण का केंद्र बने, क्या आने वाले समय में ऐसी योजना रहेगी या फिर ऐसी बिल्डिंग बनेगी जो कि कहीं ना कहीं देश के लिए या फिर गाजियाबाद के लिए केंद्र बनेगा, ऊँची इमारतें जैसे देश विदेशों में है सर? या उद्देश्य ये है कि आइकॉनिक जो भी बने आइकॉनिक बने, गाजियाबाद की तरफ लोग आकर्षित हों, यहाँ पर कॉमर्शियल इंटरटेनमेंट प्ले जोन अच्छे स्पेस बने, उसके अलावा जो रेजिडेंशियल एरिया हो उसी के साथ अन्य सुविधाएं एक साथ इंटीग्रेटेड हो और जिससे लोगों को एक ही ज़्यादा गाड़ियों का उपयोग न करना पड़े और पोल्यूशन कम हो, ये पूरा उद्देश्य है। आइकॉनिक हम लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिससे यहाँ पर लोग आकर्षित हों। सर, धरातल पर देखा जाए तो इंस्पेक्शन करने भी पहुँचे उसी जगह पर आप? जी हाँ, मेन हमारा आज अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पर, जो आप पीछे जो देख रहे हैं एलिवेटेड रोड देख रहे हैं, इसके साथ हम अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ से हम लोग अपना रैंप दे सकते हैं और यहाँ से प्रयास ये रहेगा कि वसुंधरा से लोग दिल्ली 10 मिनट के अंतराल पर पहुँच जाए। ये थे हमारे साथ में रणवीर प्रसाद जो कि कमिश्नर है आवास विकास में। इनका स्पष्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में गाजियाबाद में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बना रहेगा। दीपक कुमार, सारा समय गाजियाबाद।